गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. तो हमने कल पढ़ लिया दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोंस्की टू हैव फन विद हर, कि जो उसके क्लासमेट थे वो सभी क्या करते थे, वांडा के लिए रुकते थे ताकि वो उसका मजाक उड़ा सके. तो आगे पढ़ते हैं. आज वांडा पेट्रोंस्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिड नॉट हैव नेम्स लाइक दैट. वांडा का जो नाम था वांडा पेट्रोंस्की, ये एक ऐसा नाम था जैसा पूरे 13 नंबर के रूम में किसी भी बच्चे का नहीं था. दे हैड नेम्स इजी टू से. 13 नंबर रूम में अन्य जो बच्चे थे उनके जो नेम्स थे वो कहने में बोलने में बड़े इजी थे, लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन. जैसे कि नाम उनके काफी इजी थे. देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, विली बाउंस. वहां पे एक लड़का था जिसका नाम था बाउंस और पूरा नाम था विली बाउंस. एंड पीपल थॉट, और लोग सोचते थे दैट वॉज फनी, कि ये भी क्या है, काफी फनी है, काफी मजाकिया नाम है. बट डिड नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोंस्की वॉज. लेकिन ये इसी तरह, ये उस लहजे में फनी नहीं है जिस लहजे में पेट्रोंस्की फनी सा लगता है. यानी कि वहां के बच्चों को क्या है, जो नेम है पेट्रोंस्की ये बड़ा फनी लगता है, क्योंकि ये एक तरीके से उनके लिए क्या है, अजीब सा नाम है. उनके क्लास में किसी का नाम है नहीं ऐसा. वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स. वांडा के कोई दोस्त नहीं थे, सहेली नहीं थी. शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन. वो स्कूल आती भी अकेली थी और जाती भी अकेली थी. शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिड नॉट हैंग राइट. वांडा जो थी वो हमेशा एक फेडेड कलर का, जो फेड कलर यानी कि रंग उतरा हुआ था, जो ब्लू कलर की एक ड्रेस थी वही पहनती थी, जो कि वो भी उसे फिट नहीं आती थी. इट वॉज क्लीन, हालांकि ये बहुत साफ हुआ करती थी, बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली. हालांकि ये साफ होती थी लेकिन ऐसा कभी लगा नहीं कि इस पे कभी सही तरीके से प्रॉपरली आयरन भी की गई है, प्रेस भी की गई है. शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स. उसके कोई दोस्त भी नहीं थे. बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर. लेकिन दोस्त नहीं होने के बावजूद भी बहुत सी गर्ल्स उससे बात किया करती थी, चाहे मजाक कराती हो लेकिन बात तो करती थी उसके बारे में. Sometimes they surrounded her in the schoolyard. और कभी कभी तो सारी गर्ल्स स्कूल के यार्ड में, स्कूल के आंगन में, जो खेलता था मैदान हो छोटा सा, वहां पे सारी गर्ल्स उसको घेर लेती थी. As she stood watching the little girls playing hopscotch on the worn hard ground. कब देखती थी, जब Wanda छोटी बच्चियों को गेम्स हॉपस्कॉच नाम का जो गेम है उसे स्कूल के हार्ड जो ग्राउंड है उस पर खेलते देखती थी, तब लड़कियां जो थी अन्य लड़कियां उसको घेर लेती थी. वांडा पैगी वुड से इन मोस्ट कर्टियस मैनर एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मैसन. पैगी जो थी वो उसी लहजे में, उसी कर्टियस मैनर में विनम्र तरीके से वांडा से बात करती, मानो कि वो मिस मैसन से बात कर रही हो. आई थिंक मिस मैसन उनकी मैम होनी चाहिए, मेंटर होनी चाहिए. वांडा शील्ड से गिविंग ऑफ हर फ्रेंड अ नर्स. अब पैगी जो थी वो अपनी सहेली को ऐसे कोहनी से हल्का सा झांकने के लिए, जो बोलते हैं अपन, इस तरीके से करते हुए वांडा से बोलती थी, टेल अस, कि बताओ हमें, हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड लाइन हैंगिंग अप इन योर क्लोसेट. तो हाथ से कोहनी से हल्का सा धक्का सा दे करके, नर्स करके, और कहती थी वांडा से, और नज कर रही है अपनी फ्रेंड्स को मजाक उड़ाने के लिए कि देख देखो इस तरीके से. तो क्या कहती थी कि तुम्हारे पास बताओ कितनी ड्रेसेस हैं जो तुम्हारे क्लोसेट में, तुम्हारी अलमारी में जमी हुई हैं या फिर तुमने टांग रखी हैं. 100 वांडा वुड से. और वांडा क्या कहती कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं. 100 एक्सक्लेम ऑल द लिटिल गर्ल्स इनक्रेडुलसली. सारी जो लड़कियां थी छोटी छोटी थी उन्होंने स्वीकार न करने वाली या विश्वास न करने वाली भावना के साथ चिल्ला करके या जोर से कहा, 100 ड्रेसेस तुम्हारे पास. एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉपस्कॉच एंड लिसन. और जो ये छोटी लड़कियां थी ना, ये जो गेम खेल रही थी हॉपस्कॉच, ये वहां से गेम को छोड़ करके और सुनने के लिए आ गई कि अरे इसके पास 100 ड्रेसेस हैं, चलो सुनते हैं क्या मामला है. यह 100 ऑल लाइंड अप, सैड वांडा.
कि हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, सभी लाइन से जमी हुई है, वांडा ऐसा कहती है। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, ऐसा कहने के बाद उसके जो पतले पतले होंठ थे वो क्या हो गए, वो शांत हो गए, चुप हो गए एक साथ। वॉट आर दे लाइक ऑल सिल्क आई बेट, सेड पैगी। पैगी फिर उससे पूछती है कि आखिरकार तुम्हारे जो 100 ड्रेसेस हैं ये किस टाइप की हैं, क्या सारी की सारी सिल्क जैसी हैं? आई बेट, मैं शर्ट के साथ कह सकती हूँ। यह ऑल सिल्क ऑल कलर्स वेलवेट टू, बोलती है हाँ सारी की सारी सिल्क की हैं, सारे कलर्स हैं मेरे पास और सारी वेलवेट की भी हैं। या वेलवेट टू 100 ड्रेसेस वांडा वुड रिपीट सॉलिडली, सॉरी वांडा वुड रिपीट स्टोरीली स्टो लिडली। तो अच्छी स्पेलिंग है तो याद रखना स्टॉलिडली है ना, इसका मतलब होता है नॉट शोइंग एनी फीलिंग, मतलब कोई भी भावना व्यक्त किए बिना। तो वांडा ने बिना कोई भावना व्यक्त किए हुए, बिना कोई आश्चर्य या फिर कोई और फीलिंग को फेस पे एक्सप्रेस करते हुए क्या कहा कि हाँ सारी वेलवेट की हैं और 100 ड्रेसेस हैं, ऑल लाइंड अप इन माय क्लोसेट, सारी की सारी मेरी अलमारी में क्या है जमी हुई है। देन दे वुड लेट हर गो, ऐसा कहने के बाद उसे जाने देगी। एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार, और वांडा के जान बहुत दूर पहुंचने से पहले ही दे कुड नॉट हेल्प ब्रस्टिंग इन टू श्रीक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर, और उसके बहुत दूर जाने से पहले ही क्या होगी, ये सारी गर्ल्स जो हैं छोटी भी या फिर पैगी वगैरह जो है ये सब क्या करेंगी, ये सब जोर से चीखे मार के ठहाके मार के हंसने लगेंगी, इनकी हंसी फूट पड़ेगी। 100 ड्रेसेस ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वांडा हैड वॉज द ब्लू वन शी वोर एवरी डे, सभी लोग बड़े आश्चर्य से कहते हैं कि इसके पास 100 ड्रेसेस हैं। ऑब्वियसली जाहिर तौर पे इसके पास सिर्फ एक ही ड्रेस है जिसे पहन के आती है, ब्लू कलर की, जिसका कलर भी फेड हो चुका है, कलर भी हल्का हो चुका है। सो वाई डिड शी से शी हैड 100, तो आखिरकार इसने ऐसा क्यों कहा कि इसके पास 100 ड्रेसेस हैं? व्हाट द स्टोरी, आखिरकार कहानी क्या है इसके पीछे? हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड, तुम्हारे पास तुमने कितने बताए तुम्हारे पास कितने शूज हैं, ऐसा पूछती है उनमें से लड़की। 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माय क्लोसेट, अब क्या बोलती है वांडा कि मेरे पास 60 पेयर्स हैं जो कि सारे के सारे मेरी अलमारी में लाइन से जमे हुए हैं। क्राइज ऑफ एग्जैजरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक, जो से अत्यधिक एग्जैजरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस, यानी कि अत्यधिक विनम्रता के साथ उसको ग्रीट करते हुए, उसका अभिवादन करते हुए क्या कहते हैं उससे कि क्या तुम्हारे 60 के 60 जो पेयर्स हैं वो सब सेम दिखते हैं? ऐसा क्यों कह रही है गर्ल्स इसलिए ऐसा कह रही है क्योंकि वो एक ही ड्रेस पहन के आती है तो एक ही शूज पहन के आती होगी, तो मजाक उड़ाने के लहजे में वो बोलती है कि क्या तुम्हारे पास 60 जो जोड़ी जूते हैं वो सब एक जैसे ही है? ओ नो एवरी पेयर इज डिफरेंट ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप, कि वांडा बोल रही है कि नहीं मेरे पास जो सारे पेयर्स हैं वो अलग अलग हैं, अलग अलग कलर्स में, सारे कलर्स में और सभी लाइन से लगे हुए हैं। पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम एंड मैडी हर इनसेपरेबल फ्रेंड वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, पैगी जो कि इसे स्टार्टिंग में एक गेम समझती है एंड मैडी जो उसकी इनसेपरेबल दूर मतलब इनसेपरेबल जिसको अलग नहीं किया सके ऐसी फ्रेंड थी, यानी दोनों साथ रहती थी हमेशा। ये हमेशा कैसी थी, ये हमेशा हंसी उड़ाने के मामले में सबसे लास्ट में जाया करती थी, यानी कि सबसे लास्ट तक जो है वांडा की हंसी ये उड़ाते थे। फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, अब अंत में क्या होगा, आखिरकार वांडा क्या करेगी, गली में आगे मूव करती है। हर आईज डल, उसकी आंखें कहती है नीरस है एंड हर माउथ क्लोज, और उसका मुंह बंद है। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन द फनी वे शी हैड, और जब वो गली में आगे जा रही है तो वो क्या कर रही है, हिचिंग कर रही है, यानी कि अपने शोल्डर को एक अजीब से तरीके से क्या कर रही है, उचका रही है, हिला रही है ना, हर कुछ समय बाद में ना, एवरी नाउ एंड देन इन द फनी वे शी हैड, और उसी फनी वे में जो तरीका फनी है उसका, उस तरीके में वो हिलाते हुए जो भी तरीका चलती है वो। फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल, आखिरकार वो अपनी वॉक फिनिश करती है और कहां पहुंच जाती है, आखिरकार वो स्कूल पहुंच जाती है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे आगे करते हैं। थैंक यू।